नहीं बिल्कुल भी ऐसा मैंने समझता है, हो सकता है शायद सबकी अपनी अपनी राय, लेकिन उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा जो उस वक्त टीम मैनेजमेंट थे उनके साथ मिले जो बेहतर कहने कह सकते हैं कि हम लोगों ने टीम के लिए वो करी। और अभी जैसे मैंने बताया कि मुजफ्फर से बड़ी बड़ी दिलीप की बात हुई है, मैं कोशिश उन्होंने यही कहा कि यार अपने नंबर पर खेलो, और वो एज अ कैप्टन ने मुझे यही कोशिश करते थे कि ऐसी जगह पर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, तो उनसे मेरी यही बात हुई है और उन्होंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो उनका एतमाद मुझ पर है मैं उससे पूरा होता हूँ। सरफराज अभी कुछ दिन पहले शायद अभी भी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सिग्नेचर प्लेयर ने उनको कहा है कि हम आना चाहते हैं लेकिन इंडिया हमें आने नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया में भी यही डिबेट चल रही है कि शायद इंडिया अंडर चलता है पाकिस्तान के वरना टॉप फील्डर्स आकर खेले टीमें भी आकर खेले। सचिन मजरेकर का ये बयान आया कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ज्यादा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम की सपोर्ट के साथ नंबर वन टी ट्वेंटी की कैसे बनती है, क्योंकि इंडिया वाले कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आने देते कभी उनको समझ नहीं आती। देखिए मुझे तो नहीं मालूम कि किसकी किससे क्या बात हुई है, और अब ये कहना कि इंडिया वाले किसी ने मुझे जगह क्यों आके कहा नहीं है, ये लोगों को पता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आई थिंक हमने एक अपना मैसेज पास ऑन कर दिया दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान में दो साल से क्रिकेट हो रही है। आई थिंक उन क्रिकेट बोर्डों को सोचना चाहिए जिन्होंने जिनकी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्तों में उनकी हेल्प की। हम शुक्रिया अदा करते हैं श्रीनगर क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है उनके प्लेयर्स नहीं है उनकी अपनी खुद की वजूहत हो सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम भेजी है और उससे पहले भी यहाँ पे और भी ममालिक के प्लेयर आए, तो आई थिंक मैं समझता कि उन प्लेयर्सों को जाकर दूसरे मुल्क में बोलना चाहिए कि देखिए कुछ प्लेयर्स के लिए तो लकी भी है टीम प्लेइंग जो है वो वही इलेवन के साथ टीम में आया था, आज ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है। तो आई थिंक मैं उन तमाम बोर्डों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी रिक्वेस्ट हम लोग एज अ प्लेयर एज अ नेशन यही करते हैं कि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर अधूरी है, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट से हटाएंगे तो आपके क्रिकेट का आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड कहाँ पे जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस जरूर आएगी। देखें उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो कमेंट्री करते हैं जाके स्टैट्स देखें पाकिस्तान टीम ने कहाँ कहाँ किन किन टीमों को हराया है, तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है, स्टैट देखने का नजर आ जाएगा उनको। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम में उनको कप्तान के लिए आसान हो जाता है, बहुत टीम का कंपेरिजन किया जाता है खिलाड़ियों से, पांच मैच में देखिए बाबर आजम बिल्कुल उस कैटेगरी में बिल्कुल खड़ा हो सकता है कुछ ऐसे बात जिस तरीके से वो अपना हार्ड वर्क कर रहा है जिस तरीके से वो अपना जाए, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दो तीन सालों में जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस डाली है तो वो भी उसका शुमार भी होता है, अभी भी अल्लाह का शुक्र है होता है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरीके से अगर अपने आपको कैरी रखता है तो बिल्कुल जो है वो इन खिलाड़ियों की जो सर्विस है उसमें शामिल हो जाएगा बहुत जल्द। जहाँ तक मेरी बात इमाम की बात, तो आप इमाम का नाम भी ले रहे हैं, इमाम ने ही बोला, तो देखे बात देखे वो एक छोटा है, बात देखे वो भी जज्बाती बच्चा है, कुछ सवाल ऐसा हुआ उसने वैसा जवाब दे दिया लेकिन उसका कहने का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो उस चीज को सही तरीके से जो है वो कहता है ना कि इस्तेमाल नहीं कर पाया, लफ्जों का इस्तेमाल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता है छोटा है चीज, वक्त के साथ साथ चीजें वो सीख जाएगा, तो मेरे लिए ऐसा बड़ी करने वाली कोई बात नहीं थी, मुझे पता है मेरी टीम का प्लेयर है, तो हमें इतनी बातचीत है कि मैं बात करके हमने उस चीज को पता है, मुझे पता था कि उसने किस वे में कहा, तो मेरे लिए ऐसी कोई बड़ी करने वाली कोई बात नहीं। और जहां तक रही बात वो फोर डे गेम था ये वन डे गेम है, सबको पता है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी तो उसी के मुताबिक खेलेंगे। इससे पहले आपके मिसबा कप्तान थे 2015 के वर्ल्ड कप में, अब आप कप्तान हैं, अब वो आपके चीफ कोच और हेड सेक्टर हैं, तो एक जो क्योंकि आप सब इससे पहले को तो अब क्या मुख्तलिफ करेंगे, आपका काफी इनके साथ मिशन का ज्यादा टाइम गुजारा है, तो ऐसी क्या तब्दीली होगी जो ऐसी लोग जब कहते हैं कि थे जैसे अब आबिद अली है उसको जैसे नजरअंदाज वर्ल्ड कप में किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई चेंज आएगी कि नए प्लेयरों को ला जाएगा या कबड्डी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। देखिए ऑब्वियसली जहाँ तक नहीं मिक्की आर्थर की बात और मिर्जा भाई की, तो दोनों जो है डिफरेंट टाइप नेचर के इंसान है, वो उनका अपना एक स्टाइल तक कोचिंग करने का, मिर्जा भाई का एक अपना स्टाइल है कोचिंग करने का,
और दोनों जो है अपने तरीके से टीम को लेकर चल रहे थे। मिर्जा भाई का एक डिफरेंट गेम है, ऑब्वियसली अभी वो आए हैं तो अपने तरीके से वो टीम को चलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक लोगों को यही मैसेज दिया जो आपका नेचुरल गेम है, आप वही गेम खेले, चाहे वो फखर जमान से हम लोगों ने जब कॉन्फिडेंस का इजहार किया तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है कि सम टाइम प्लेयर पर ऐसा टाइम आता है, लेकिन अगर उस टाइम पे मुश्किल टाइम पर अगर उसको सपोर्ट की जाए तो वही प्लेयर जो है वो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। हाफिज अली की जहां तक रही बात, तो हाफिज अली बिल्कुल टीम का हिस्सा है और कोशिश तो यही होती है कि पास में भी कोशिश किसी को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि टीम की कुछ प्लानिंग ऐसी हो जाती है जिसमें कुछ प्लेयर जो है बाहर जाते हैं, कुछ प्लेयर अंदर जाते हैं, तो कोशिश यही करनी है किसी को नजरअंदाज ना करें, जो भी प्लेयर्स को लें या उसको टीम में सिलेक्ट करें उसको भरपूर मौका दें। आपको हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली मैं भी साथ साथ में मिर्जा भाई के एक्सपीरियंस से उनकी कप्तानी में मैं खेला और ऑब्वियसली अगर कोच आ गए तो वो मुझे ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से भी गाइडेंस मिलेगी, तो कोशिश करूंगा जो उसमें खामी आए या पहले उसमें गलती होगी उसको आगे बढ़ते करके और ज्यादा बेहतर कप्तानी कर सकूँ पाकिस्तान के लिए। खासकर विश्वा ने कहा कि जो असल में 16 है वो प्लेइंग 11 में 11 है, तो आप समझते हैं कि बाकी टीम की स्ट्रेंथ ऐसी है कि जो 16 है वो 11 और आप सेकंड करेंगे विश्वा की बात से? बिल्कुल, देखें जो भी इस वक्त टीम में 16 प्लेयर सिलेक्ट हुए वो फर्स्ट प्रायरिटी वाले प्लेयर जो है वो सिलेक्ट हुए, तो कोशिश यही करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल 11 प्लेइंग 11 है, सारा सब कुछ सिनेरियो को देखते हुए वही अपनी बेस्ट टीम बताए। सरफराज, रिसेंट पास्ट में आपको हेड कोच को भी कन्वेंस करना पड़ता था, सिलेक्टर से भी बात करनी पड़ती थी अपनी एक टीम अपना एक स्पॉट मांगने के लिए, अब जबकि मिस्बाह हेड कोच भी हो गए हैं चीफ सिलेक्टर भी हो गए, आपको लगता है उनकी दोनों पोस्ट की वजह से आपको ज्यादा आसानी होगी कि आपको एक बंदे को कन्वेंस करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली आप कह सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहले भी ऐसा कोई इशू नहीं था, ऑब्वियसली इंजी भाई की अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग करते थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, जहां तक रही मुख्य आता की बात तो कोशिश ये करते थे कि हम तीन जो है एक ही पेज पे हों, ऑब्वियसली तीन लोग दो लोग डिफरेंट होते थे लेकिन पेज हमारा एक ही होता था, जिस लाइन पे हमें चलने वो हम कोशिश करते थे एक ही लाइन पे चलें, अब यहाँ पर डिफरेंट है ऑब्वियसली एक ही है मिर्जा भाई है तो ऑब्वियसली उन्हीं से ही बात करनी पड़ेगी टीम प्लानिंग की भी, तो आप कह सकते हैं कि आसानी हो सकती है।